हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियलमी का C30। फ्रेंड, ये रियलमी का C30 है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। जो पैटर्न इसमें मैंने लगाया था वो पैटर्न मैं भूल गया हूँ और दूसरा कोई भी पैटर्न डालने पर रॉन्ग आ रहा है। तो फ्रेंड, पैटर्न लॉक हो या पासवर्ड लॉक हो, दोनों को हम लोग हार्ड रीसेट करके रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग पावर ऑफ कर देंगे। पावर बटन हम लोग दबा के इस फ़ोन को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ कर दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूम अप बटन, ये है डाउन बटन, ये है पावर बटन। तो हम लोग करना ये है कि पावर बटन को दबाएंगे, फिर 2 सेकेंड बाद वॉल्यूम डाउन बटन को दबाएंगे। तो चलिए पहले पावर बटन को दबा लेते हैं। दबाएं, 2 सेकेंड हो गया। अब वॉल्यूम डाउन बटन को भी दबा दिए। जैसे रियलमी लिख के आएगा, पावर बटन छोड़ देंगे। छोड़ दिए और जैसे ऑप्शन आ जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम डाउन बटन भी छोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन आ चुका है, वॉल्यूम डाउन बटन भी हम लोग छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन की मदद से वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आ जाना है। ठीक है, हम लोग वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ, अब पावर बटन दबा के ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कैंसिल और नीचे लिख रहा है फॉर्मेट ऑल डाटा। तो हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फॉर्मेट डाटा रीसेट पे आ जाना है। ठीक है, और पावर बटन से ओके कर देना है। ठीक है, अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा सक्सेसफुल यहाँ लिखा चुका है। अब यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ, तो पावर बटन दबा के इसे ओके कर देंगे। कर दिए, अब हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला गया है। अब हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, कम से कम 2-3-4 मिनट लगेगा। तो जब तक यह फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। फ्रेंड, हार्ड रीसेट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंसते हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। मैं उसमें आपको गूगल अकाउंट बाईपास करने के बारे में आपको बताऊंगा। मैं यह वीडियो को थोड़ा भगा रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे और अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंसते हैं तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। इजी तरीका से आप गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।